नमस्कार, इंटरटेप न्यूज में आपका स्वागत है। मुन्ना बहादुर सिंह ने मीडिया से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में फेफना में कपूरी दुर्गा मंदिर में पूजा पाठ नवरात्रि में हरि कीर्तन चल रहे हैं। मुन्ना बहादुर सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि समाज की माता रानी कल्याण करे। बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता है और सामाजिक कार्यकर्ता है। ये कार्यक्रम चूंकि 7वां साल है और माता कपिलेश्वरी भवानी के दरबार में लगातार 7 सालों से अष्टजाम जो अखंड हरि कीर्तन के नाम से प्रसिद्ध है, जो 11 दिन का कार्यक्रम 7 साल से लगातार चल रहा है। इस बार कार्यक्रम चूंकि बृहद था, इस कार्यक्रम के साथ साथ अष्टजाम के साथ साथ 12 दिन कीर्तन संपन्न हुआ। आज 12 दिन हो जाएगा, तो 12 दिन कीर्तन में एक चैता का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कमलवास कुंवर बिहार से चल के आए थे और उत्तर प्रदेश के आपके स्वामीनाथ थे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वतंत्र प्रभार मंत्री हम लोग के बड़े भाई सदर विधानसभा के विधायक भाई दयाशंकर सिंह जी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे। संदेश ये देंगे कि धर्म के काम में लोगों को जुड़ना चाहिए। अगर हिंदू हैं तो हिंदू को धर्म के काम में लगना चाहिए। ये कार्यक्रम चूंकि मेरा नहीं है, पर्सनल मेरा नहीं है, ये कार्यक्रम हर उन लोगों का है जो इस गांव के 50 गांव के इर्द गिर्द अपना वो करते रहते हैं, सहयोग करते रहते हैं, जिसमें आदर्श नगर, राजिमा, फिर अट्टू चक, नगीना नगर, दानीगिरी, कमठिया, वायनार नगर, चौबेपुर, दुमदुमा, पकड़ी, शनिचरा, कटरिया, कोपरी, नारायणपुर, भावर, कुल, बैदौली, नरही, बैरिया, चेरुया, बघड़ा, मोहान, गंगारा, कमठिया, लौरा, कमठिया, बघेजी, गंगारा, थमनपुरा, हसनपुरा, इंद्रपुर, नई बस्ती, कोट, मजरिया, भिकारीपुर, अजोर, पुराम, पुरचिट तक उधर, इधर निधरिया, अगरसंडा, भगवान, पुराम, डरीपाणेपुर, नसीराबाद, दरामपुर, देवरिया, कला से लेकर मुबारकपुर, हैबतपुर, जालपुर, मालदेवपुर तक के कलाकारों का, दूध वाले का, खोमचा वाले का, एक गाड़ी वाले का, मतलब हर वर्ग के लोगों का एक बड़ा सा सहयोग रहता है। निश्चित रूप से ये सहयोग, अगर सहयोग नहीं रहता तो 7 साल से ये कीर्तन लगातार और ये बड़ा सा कार्यक्रम ये नहीं चलता। निश्चित रूप से मैं संदेश दूंगा और बधाई भी दूंगा अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को कि इतना बड़ा कार्यक्रम कराने के लिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद। और ये कार्यक्रम जब तक आदमी जीवित रहेगा, जब तक आप शरीर में सांस रहेगी, तब तक ये कार्यक्रम होता रहेगा। राजनीति और चुनाव अपनी जगह पर है। ये चुनाव और राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ये केवल एक धर्म के काम में आजीवन आधा से अधिक जिंदगी आदमी जी चुका है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, कुछ दिन जीवन बचा है और ये जीवन माता और जनता के लिए समर्पित है। उसी भाव से मैं आज भी लगा हुआ हूँ।